स्टूडेंट, अब हम दूसरा सेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा सेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपना असाइनमेंट ओपन करें, मैक्सिमाइज करें, पुनः इसको मिनिमाइज कर टैली ओपन करते हैं। ये टैली खुल गया, इसके बटन प्रेस करिए एक्टिवेशन फॉर्म से बाहर जाने के लिए। सेलेक्ट कंपनी पे जाइए, एंटर करिए, सीजीएल अपनी कंपनी सेलेक्ट करें, यहाँ पे दिख रहा है, एंटर करें, यूजर नेम डालें और पासवर्ड डालें। एंटर करें, आप देख सकते हो आपकी कंपनी यहाँ पे खुल गई। कंपनी खुलने के बाद अब हम सेशन खोलते हैं असाइनमेंट, देखते हैं कि हमारा सेशन टू क्या कहता है। सेशन टू में पहला क्वेश्चन कहता है ओपन द रजिस्टर कंपनी, जो हमने पहले ही कर लिया, एंड सी द लिस्ट ऑफ ग्रुप, और अपने वो ग्रुप का लिस्ट देखिए जो पहले से ही बने हुए हैं। तो आइए टैली पे आते हैं, अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करते हैं, ग्रुप पे एंटर करते हैं। सिंगल डिस्प्ले और मल्टीपल डिस्प्ले, दो तरीके से हम ग्रुप देख सकते हैं। सिंगल डिस्प्ले का मतलब एक एक करके हम ग्रुप देख सकेंगे, और मल्टीपल डिस्प्ले का मतलब एक साथ सभी ग्रुप हम देख सकेंगे। तो एक एक करके दोनों ऑप्शन का यूज करते हैं। सिंगल ग्रुप पे एंटर करें, इसमें ये सारे ग्रुप्स हैं। जो पहला ग्रुप शो कर रहा है उसका नाम है बैंक अकाउंट, एंटर करिए। यहाँ पे आपका सिंगल ग्रुप यानी ग्रुप डिस्प्ले शो कर रहा है, ये पूरा ग्रुप है। यहाँ पे पेज डाउन बटन प्रेस करिए कीबोर्ड से, और एक एक करके सभी ग्रुप आप देखिए चेंजिंग होते जा रही है। पुनः मल्टीपल डिस्प्ले के लिए इसके बटन से बैक होते हैं, और यहां से मल्टीपल डिस्प्ले पे आते हैं, एंटर करते हैं, ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं। यहां पे अब हम पूरे ग्रुप को देख सकते हैं। अब देखिए 26 नंबर से लेके एक नंबर, यानी टोटल 28 ग्रुप होते हैं हमारे पास। इस 28 ग्रुप में जो 15 ग्रुप होते हैं हमारे पास वो प्राइमरी होते हैं, बाकी जो 13 बचते हैं वो हमारे सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। जी हाँ, जिन जो भी ग्रुप हमारे प्राइमरी है उनके सामने प्राइमरी लिखा हुआ है, और जो